अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजिकल पायरामिड्स के बारे में देखा था कि पायरामिड्स क्या होती हैं। इकोलॉजिकल पायरामिड्स, जिसमें हम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को एक पायरामिड की शेप में अरेंज कर देते हैं। इसमें सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, सो ऑन। इन पायरामिड्स की दो टाइप्स हमने देखी थी, एक थी पायरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को हम नंबर के लिहाज से अरेंज कर रहे थे, और दूसरा जो है वो है पायरामिड ऑफ बायोमास, कि हम देखते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर बायोमास जो है वो कितना होता है। अब दोनों पायरामिड्स के बारे में हमने देखा था, दोनों पायरामिड्स की शेप किस तरह की थी कि बॉटम से पायरामिड जो है वो ब्रॉडर थी और ऊपर से एपेक्स से जो है वो नैरोअर थी। इन्हीं पायरामिड्स की फर्दर हम वेरिएशंस के बारे में देखेंगे कि क्या ये पायरामिड्स की शेप ऐसी ही होती है या क्या ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो मोस्ट इकोलॉजिकल पायरामिड्स हैं वो पायरामिड शेप्ड होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर हमें जो इकोलॉजिकल पायरामिड्स मिलती हैं उनकी शेप बिल्कुल ऐसी होती है कि वो नीचे से जो है वो ब्रॉडर होती हैं और ऊपर से जो है ये नैरो होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पाई जाती हैं, उन एक्सेप्शंस के बारे में हम देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं पायरामिड ऑफ नंबर के बारे में। जो पायरामिड ऑफ नंबर है मे बी अपसाइड डाउन, ठीक है, ये पायरामिड जो है ये उल्टी हो सकती है, मतलब नीचे वाली साइड से ये नैरो होगी और ऊपर वाली साइड से ये ब्रॉड होगी, ठीक है। अब ये कैसे है, देखिए हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें, एक ट्री है, ठीक है, तो ट्री जो है ये तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। उसके बाद ट्री को खाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये है एफिड्स, ठीक है, एफिड्स ये नीचे दिखाए गए हैं, ये ट्री को लकड़ी उसकी खाते हैं, तो एफिड्स हैं ये हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, और एफिड को खाने वाले हैं पैरासाइट, ये हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है और सेकेंडरी कंज्यूमर है, इनका अगर हम रिलेशन देखें तो ट्री तो एक है, दरख्त तो एक है, लेकिन उस एक दरख्त के ऊपर रहने वाले एफिड्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह एक एफिड के अंदर हंड्रेड ऑफ पैरासाइट्स जो है वो रहते हैं जो एफिड पे अटैक करते हैं। तो जिस तरह जैसे जैसे हम जो है ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास नंबर ज़्यादा होता जा रहे हैं, तो इस वजह से ये जो पायरामिड है ये अपसाइड डाउन होगी, इसमें नीचे वाली साइड जो है वो नैरो होगी और ऊपर वाली साइड क्या होगी, ब्रॉड होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये आ जाती है, ये तो है हमारे पास पायरामिड ऑफ नंबर। अगर हम पायरामिड ऑफ बायोमास के बारे में देखें तो मोस्टली पायरामिड ऑफ बायोमास जो है वो सेम रहती है, वो ब्रॉडर होती है एट द बॉटम एंड नैरो होती है टूवर्ड द एपेक्स। देखिए एक ट्री है तो ट्री का ओवरऑल जो बायोमास, उसका जो मटेरियल है वो हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो रहने वाले एफिड्स हैं उनका मास इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ट्री का होगा, तो ट्री का हमेशा जो बायोमास है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एफिड्स। फिर इसी तरह एफिड्स का बायोमास हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पैरासाइट। तो अगर हम इसकी पायरामिड ऑफ बायोमास बनाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसी बनेगी कि नीचे से पायरामिड ब्रॉडर होगी और ऊपर से पायरामिड नैरो होगी, ठीक है। और अगर हम पायरामिड ऑफ नंबर बनाएं तो फिर ये पायरामिड नीचे से जो है वो नैरो होगी और ऊपर से क्या होगी, ब्रॉडर होगी। तो ये एक जो है वेरिएशन पाई जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ पायरामिड्स ऑफ बायोमास हैं जो वेरी करती हैं, उनकी शेप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो पायरामिड्स ऑफ बायोमास फॉर्म फॉर रैपिडली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट आल्सो पायरामिड शेप्ड। अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है जो रैपिडली रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई है, तो उसकी वजह से पायरामिड की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हमारे पास एक फूड चेन दिखाई गई है, सबसे पहले फाइटोप्लैंकटन्स है, ठीक है, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो है जूओप्लैंकटन, और जूओप्लैंकटन को देन स्मॉल फिशेस खाती हैं और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खा जाती हैं। अब ये सेम हमारे पास यहीं पे इकोलॉजिकल पैरामिड हमने बनाई है कि लार्ज फिशेस हैं, ठीक है, वो खाती हैं स्मॉल फिशेस को, स्मॉल फिशेस खाती हैं जूओप्लैंकटन को, और जूओप्लैंकटन खाते हैं फाइटोप्लैंकटन को। अगर हम इस पैरामिड को देखें तो ये पैरामिड फाइटोप्लैंकटन पर आकर इस पैरामिड की शेप खराब हो गई। अब फाइटोप्लैंकटन को एक्चुअली यहाँ से ज़्यादा ब्रॉडर होना चाहिए था, ठीक है, बाहर की तरफ आना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि जूओप्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन को खा जाते हैं, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंकटन का नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए हमें यूँ लगता है कि फाइटोप्लैंकटन का नंबर जो है वो जो उसका बायोमास है वो क्या है, कम है, ठीक है, उसका मास कम है। लेकिन फाइटोप्लैंकटन जो है ये रैपिड ग्रोथ रेट शो करते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन जो रेट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ ही टाइम के बाद फाइटोप्लैंकटन का नंबर अगेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और जो पायरामिड की शेप है वो दोबारा से पायरामिड लाइक हो जाती है। तो यूँ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो वो भी पायरामिड की शेप को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं।